हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए, आज हम उत्तर प्रदेश की सत्ता की जंग और बहन कुमारी मायावती जी की कुंडली का आकलन करते हैं। दोनों का मैचिंग करके देखते हैं कि क्या मायावती जी का भविष्य क्या कहता है, क्या उत्तर प्रदेश के सत्ता में पुनः काबिज हो पाएंगी बहन कुमारी मायावती जी। इस विषय में आज हम बात करेंगे। कल हमने ये वीडियो बनाया था, उत्तर प्रदेश के चुनावों का परिणाम क्या होगा और क्या कहती है अखिलेश यादव जी की कुंडली। ये रन कर रहा है यूट्यूब पर, आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए। और आज बहन मायावती जी की कुंडली के ऊपर हम बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज में हम राहुल गांधी जी की कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे और अखिलेश यादव जी के अन्य परिवार के सदस्यों का, माया मुलायम सिंह जी की भी कुंडली का आकलन करेंगे और हमारे जो मोदी जी हैं इनकी भी कुंडली हम देखेंगे कि यूपी की सियासत में इनकी कुंडली की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की कुंडली के ऊपर। तो आप प्लीज़ हमारे फेसबुक के एस्ट्रो क्लासेस के पेज को लाइक करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स ज्योतिष से लेकर के और भविष्यवाणी से लेकर के और टोने टोटके से लेकर के अगर डालते हैं जैसे ही, वैसे आपको मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये अखिलेश यादव जी की कुंडली अगर आपने नहीं देखा तो आप इस पर देखिए। ठीक है, और हमारे ब्लॉग पे जाकर के ब्लॉग पे साइन अप करें, एस्ट्रोलॉजी का हमारा जो एस्ट्रो क्लासेस का जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, उस पर विजिट करें जरूर और हमारे यूट्यूब के वीडियोज को देखें। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें प्लीज, आप लोगों का लाइक बहुत कम आता है, अगर आप जितना कमेंट करते हैं उसके अनुसार थोड़ा सा लाइक भी किया करें और उसके बाद में कभी कभी शेयर भी कर दिया करो यार, है ना। तो चलिए हम आज मायावती जी की कुंडली का आकलन करते हैं। ये है मायावती, बहन कुमारी मायावती जी की कुंडली। ठीक है, इनकी कुंडली का जो डेटा मुझे मिला है वो इंटरनेट से मिला है। मुझे 10 कुंडली मायावती जी की मिली, जिसमें 7 कुंडलियों का जो मैच हुआ उसके ऊपर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इस कुंडली को देखते हैं। कर्क लग्न की ये कुंडली है, इनका भाग्य गुरु है और सिंह राशि में बैठा हुआ है। इस गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, दशम दृष्टि, और शनि जो है वो सप्तम और अष्टम भाव का मालिक होकर प्रबल मार्केश इस कुंडली का हो रहा है। और बुध जो है इनकी दशा का, दशानाथ जो है, ये बुध भी इनके कुंडली का मार्केश है। ठीक है, हालांकि ये नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आता है, फिर भी इस ये मार्केश होने के वजह से और अकारण प्रतिष्ठा का व्यय होने के वजह से, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है, या इन्होंने अपने सत्ता के समय में जब ये मुख्यमंत्री थी इन्होंने क्या किया है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट ये बुध जो है अभी दशा में है और इनके व्यय भाव का मालिक होने के वजह से और तीसरे भाव का मालिक होने के वजह से ये बुध इनके प्रतिष्ठा का व्यय जरूर करवाएगा। अकारण मतलब प्रतिष्ठा का व्यय होना, यानी कि जो किया और जो न किया उसमें भी बेकार बदनामी मिलना। ठीक है, सूर्य जो है इनके दूसरे घर का मालिक होने के वजह से ये सूर्य शत्रु के घर में बैठा हुआ है, है ना, और ये दूसरे घर के मालिक होने की वजह से मार्केश भी है, तो इसलिए इस सूर्य के साथ इस बुध का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। चंद्रमा जरूर लग्नेश है और पिता पुत्र की स्थिति बन रही है, चंद्रमा और बुध के आपसी संबंध जो है वो पिता पुत्र के हैं, लेकिन ये सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध मार्केश और चंद्रमा लग्नेश और चंद्रमा अपने शत्रु के घर में, और चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जो है वो शनि की है। ठीक है, तो अपने घर की दृष्टि यहाँ पे शनि को प्रबल बनाती है और चंद्रमा का जो है प्रभाव को छिन्न भिन्न कर देता है। शुक्र जो अभी इनकी अंतरदशा में चल रहा है, बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जो चल रही है, ये शुक्र भी अष्टम भाव में पड़ा हुआ, इसका प्लेसमेंट बहुत गलत है।
चतुर्थ भाव का और इनकम भाव का मालिक जरूर है ये, लेकिन शत्रु घर में बैठा हुआ ये शुक्र उद्विग्न अवस्था में है, ये भी कुछ खास देने वाला नहीं है। इस कर्क लग्न की कुंडली में एक मंगल ऐसा ग्रह होता है जो संपूर्ण राजयोग अकेला देने में सक्षम होता है, लेकिन ये मंगल दोनों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ, मार्केश शनि के नीचे और राहु की जो जोड़ी है, राहु की जो युति बनती है इस मंगल के साथ, ये जो है इनको रोग बहुत ज़्यादा देने में सक्षम है। इनको ब्लड शुगर वगैरह ये दे सकता है ये राहु, और पितृदोष भी बनाता है। ये मंगल जो है इनके लिए कुछ खास जरूर करने वाला था, लेकिन इसकी स्थिति जो है कुंडली में ये कुछ खास नहीं बता रही है, और दूसरा ये दशा अंतरदशा में भी नहीं है। तो इसलिए अगर फाइनल हम इस पे कुछ बात करें तो जब चुनाव का डेट निकल जाएगा तब हम इसमें अंतर प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा का भी आकलन करके कुछ और गहन अध्ययन करेंगे, सबकी कुंडली का एक साथ करेंगे, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट के टाइम में। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कुंडली के अनुसार इनका बहुत कुछ होने जा रहा है। हाँ, मंगल से अगर थोड़ा सा एस्पेक्ट अगर आप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत सीट जरूर दिलाएगा और सत्ता में एक जरूर इनका दबदबा बनाए रखेगा, परंतु ये पूरी तरह सत्ता रूढ़ हो सके इस तरह की स्थिति तो इसमें नहीं दिख रही है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मीडिया में सुना बहुत सारे चैनल वाले लोग ऐसे हैं जो मायावती जी को 100% की बात करते हैं कि पूरी तरह से आ रही हैं, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष क्या कहता है, उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन किया है। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।